मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। 2 साल का सांसद इस तरह की भाषा बोलेगा? ये भाषा बोलता मोदी जी को, मोदी जी ओबीसी बिल पास करिए, आज ही पास करिए इस बिल को। ये सांसद है ऐसे लगा जैसे गली का कोई टपोरी गुंडा बोल रहा हो। भाजपा से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से अभी तक इसको निष्कासित क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी को तो 1 मिनट में कर दिया, अधीर रंजन साहब को 1 मिनट में कर दिया। उस पर संसद भवन में जो हमारा जो महिला आरक्षण बिल है इसको रोकने के लिए रमेश भिदुड़ी जो पिछड़े समाज का है, समझे, ये पिछड़े समाज के अधिकारों का हत्यारा बन बैठा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्कार और शिष्टाचार का परिचय दिया है। ये क्या देशभक्ति बताएंगे? ये टपोरी आदमी है, ये क्या देशभक्ति बताएगा लोगों को? हम तो जिंदाबाद फिर भी कह रहे हैं भाई, देश को जो तुम मुर्दाबाद बनाने पे लगे हो, इस देश के संविधान को मुर्दाबाद बनाने पे लगे हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। रमेश भिदुड़ी ने भरी सदन में जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी कही है, बयानबाजी की है, बदसलूकी कही है, यानी कि वो शब्द कहे हैं जो मैं कैमरे तक पर नहीं बोल सकती हूँ, बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग आपको इस वक्त मेरे साथ दिखाई दे रहे होंगे। नरेंद्र नंदा भाई भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो संसद में हुआ है ये पहली बार जो संसद में पहला सत्र बोला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्कार और शिष्टाचार का परिचय दिया है, समझे। इन्होंने जो गाली दी है ना, ये पहली बार में संसद भवन का इन्होंने शिष्टाचार नहीं, संस्कार नहीं, जो किसी भी धर्म मजहब को टारगेट करके इस प्रकार से एक सांसद एक दूसरे सांसद को गाली देता है, ये बहुत ही लज्जत भरी बात है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ है। ये सांसद है ऐसे लगा जैसे गली का कोई टपोरी गुंडा बोल रहा हो। और दूसरे नंबर जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज आप जान नहीं रही हो मैडम, ये महिला आरक्षण को पास कराना चाहते हैं। बल महिला आरक्षण बिल ऐसे पास नहीं होगा, जबकि देश में 85% लोग हैं उनको है, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उस पर संसद भवन में जो हमारा जो महिला आरक्षण बिल है इसको रोकने के लिए रमेश भिदुड़ी जो पिछड़े समाज का है, समझे, ये पिछड़े समाज के अधिकारों का हत्यारा बन बैठा है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे सांसद को तुरंत सस्पेंड ही नहीं, निलंबित करने के बाद इसको आजीवन जिंदगी के लिए इसे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसे आदमी का, क्योंकि ये पिछड़े समाज के अधिकारों का हनन करा रहा है और लोगों को तब पाखंडवाद की ओर ले जा रहा है। धर्म मजहब के नाम पर देश की जनता त्राही त्राही हो सकी है, या महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, अत्याचार है, बलात्कार है, और ये चमत्कार की बात कर रहे हैं और इस प्रकार की गालियां। ये संसद शर्मसार हुई है। और मैंने कहा नहीं कि मेरा एक छोटा सा एक शेर है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, ये हालत है इस देश की, समझे। ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि गुस्से में उन्होंने ये बयान दिया है, हालांकि भाजपा जो है अब जवाब भी मांग रही हूँ। हाँ, गुस्से में नरेंद्र मोदी के बाल क्यों नहीं नोच लेता है? आप मुझे बताओ, गुस्सा इतना आता तो अपना मुंह क्यों नहीं नोच लेता? हम तो जिंदाबाद फिर भी कह रहे हैं भाई, देश को जो तुम मुर्दाबाद बनाने पे लगे हो, इस देश के संविधान को मुर्दाबाद बनाने पे लगे हो। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे रमेश भिदुड़ी ने बोला है ना, रमेश भिदुड़ी बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी को, मोदी जी ओबीसी बिल पास करो, उस पे चिल्लाते कि ओबीसी बिल पास करो, ये महिलाओं का आरक्षण बिल है, ये संसद में मुसलमानों को गाली देना, मुसलमान वो है देश की शख्सियत। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुसलमान सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं इस देश को फिल्मों के लिए। पुरानी फिल्में देख लीजिए आप, मुगले आजम, पाकीजा, क्या पवित्रता उसमें दिखाती थी, कितने दिखाते थे, कितने डायरेक्टर, कितने प्रोड्यूसर सब मुस्लिम हैं, देशभक्ति के गाने लिखने वाले मुस्लिम हैं, साहिर लुधियानवी, शकील बादूनी, और देशभक्ति के गाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब, स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब। ये क्या देशभक्ति बताएंगे? ये टपोरी आदमी है,
ये क्या देशभक्ति बताएगा लोगों को? रमेश भिदुड़ी को आप टपोरी कह रहे हैं? बिल्कुल टपोरी है। एक सांसद, दो साल का सांसद, मेरे दक्षिणी दिल्ली से ये बना हुआ, दो साल का सांसद इस तरह की भाषा बोलेगा? ये भाषा बोलता मोदी जी को, मोदी जी ओबीसी बिल पास करिए, आज ही पास करिए इस बिल को, आप किस बात के लिए गए? मोदी जी पे चिल्लाता। भाजपा से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से अभी तक इसको निष्कासित क्यों नहीं किया? राहुल गांधी जी को तो एक मिनट में कर दिया, अधीश रंजन साहब को एक मिनट में कर दिया, संजय खान को निष्कासित किया जाए, निष्कासित भी किया जाए, गिरफ्तार भी किया जाए, इसको निष्कासित किया जाए, गिरफ्तार भी किया जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये जाति सूचक शब्द है। देखिए, रमेश भिदुड़ी के बयान की मैं निंदा करता हूँ। एक्चुअली ऐसे ये देश में आतंकवाद फैलाने जैसी भावना है उस आदमी की। एक्चुअली भारत जिस तरह से बच्चे के कंडक्ट से उसके माँ बाप के संस्कार पता चलते हैं, ऐसी एक सांसद की विचारधारा और बातों से भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से वो आते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी मंशा क्या देश में, वो समझ में आती। मैं कहूँगा कि जैसे शहनवाज हुसैन है, उन्हें शहनवाज हुसैन को भी गाली देनी चाहिए या पार्टी से निकाल देना चाहिए। सोची समझी साजिश के तहत रमेश भिदुड़ी ने यह बयान दिया है। बताइए कि अखंडता में अनेकता, एकता, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हम यहाँ पर रहते हैं भारत में, उसी भारत में दानिश अली जो कि सांसद हैं बीएसपी का, उन पर निजी टिप्पणी करना और उन्हें उग्रवादी, आतंकवादी कहने के बयान पर आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।